भगवद गीता चैप्टर नंबर 3 इट टॉक्स अबाउट कर्म योग, लेकिन कर्म योग की एक नई व्याख्या प्रेजेंट कर देते हैं आपके सामने श्री कृष्ण। ना ही कश्चित क्षमम अपि जातुः निष्ठति अकर्मः कृत कार्यते, कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुण है। अर्थात कोई भी मनुष्य क्षण भर के लिए भी अकर्मा नहीं हो सकता, कर्म से विमुख नहीं हो सकता। ये पॉइंट कहाँ से आया? जिस समय अर्जुन ने कहा कि मैं छोड़ के चला जाता हूँ, आप मुझे इतने भयंकर युद्ध के लिए क्यों विवश कर रहे हैं? कृष्ण सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कर्म को बदलने की, चिंता करने की कोशिश मत कर अर्जुन, कर्ता को बदलने की चिंता कर। असली सवाल ये नहीं है हम क्या कर रहे हैं, असली सवाल ये है कि ये कौन कर रहा है, असली सवाल ये है कि हम हैं क्या, तुम हो क्या। क्योंकि जो भी हो वही तुमसे बहेगा। श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात बहुत कम शब्दों में बोल दी कि कर्म का तो प्रश्न है ही नहीं अर्जुन, प्रश्न तो है कि वो भीतर जो व्यक्ति बैठा है वो कौन है। और जितना विस्तार इस मैं का उस दिन तुम रोज मरोगे, इसीलिए जितना विस्तार मैं का उतना दुख भी बढ़ जाएगा। अर्जुन की पीड़ा यही है, सब मेरे हैं। अभी तो युद्ध पूरा का पूरा मैं से युद्ध है ना, वहां पर मेरे से युद्ध मतलब मेरे कितने अंग वहां कटने वाले हैं, मैं ही काटने वाला। तो क्या है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो भी तू करता है वो तेरे क्या पे ही निर्मित होता है। और अगर तेरा मैं सघन है तो तेरे मेरे सघन है, तो तेरा ये युद्ध तामसिक हो जाता है। लेकिन अगर तू अपने मैं से विमुख है तो तेरे युद्ध भी पाप रहित हो जाते हैं।